हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सान ऑटो। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इंडियन मार्केट की अपकमिंग कुछ 150 एंड 200 सीसी सेगमेंट की बाइकों की लिस्ट लेकर आई हूं, जो इंडियन मार्केट की सबसे ज्यादा बिकने वाली और किफायती सेगमेंट के नाम से भी जानी जाती है। सो दोस्तों, अगर आप भी आने वाले टाइम में कोई मिड रेंज की न्यू बाइक लेने की प्लान कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। ये आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं लिस्ट की फर्स्ट बाइक पल्सर इन 160 से, जिसे अभी रिसेंटली फर्स्ट टाइम स्पॉट किया गया है। बट दोस्तों, इसकी टेस्टिंग काफी टाइम पहले से ही चल रही है। फिलहाल ये अपने फाइनल स्टेज में है, जो आपको आने वाले 2 महीनों के अंदर ही लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली है। बात करें इसके लुक की, तो दोस्तों ये रिसेंटली लॉन्च पल्सर इन 250 का ही एक छोटा वर्जन है, जिसका लुक, फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के मामले में काफी हद तक पल्सर इन 250 जैसा ही सिमिलर दिखाई देगी। जैसे कि बाइक की साइड पैनल्स, ट्रंक राउट्स एंड हेडलाइट काउल, सभी का डिजाइन जो है इन 250 जैसा ही सिमिलर दिया गया है। इसके अलावा आपको बाइक में सिंगल प्रोजेक्टर LED हेडलाइट, LED DRS एंड बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाली है। बाइक की टेल सेक्शन थोड़ी हाईली सेट होने वाली है, जिसमें आपको अपराइडिंग एर्गोनॉमिक्स और एक स्प्लिट सीट की सेटअप देखने को मिलने वाली है। बाइक में पावर जनरेट करेगी एक ऑल न्यू 160 सीसी की एयर कूलिंग सिस्टम वाली इंजन, जो 17.2 PS तक की मैक्सिमम पावर और 14.6 NM तक का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी। सस्पेंशन ड्यूटीज दी जाएगी फ्रंट की तरफ टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक एंड रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप के ऊपर। लिस्ट की नेक्स्ट मॉडल है TVS Apache RR 200, जो TVS की एक फुल्ली फेयर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक होने वाली है। ये फीचर्स के मामले में फुल्ली लोडेड होने के बावजूद भी प्राइस काफी रीजनेबल होने वाली है। ये आपको लगभग 1.70 to 2 lakh एक शोरूम प्राइस टैग के अंदर इसी साल सितंबर से नवंबर के बीच लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं बाइक में मिलने वाले फीचर्स से। तो Apache RR 200 में आपको मल्टीपल राइडिंग मोड्स, स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS और एक स्मार्ट X कनेक्ट ब्लूटूथ कनेक्टेड टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ कनेक्टेड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल ऑफर किया जाएगा, जिसमें आपको बाइक के सारे मेजर इन्फॉर्मेशन शो होने वाली है। बाइक अपने बिगर सिबलिंग Apache RR 310 पे बेस्ड होने के कारण बाइक की ओवरऑल लुक काफी हद तक RR 310 जैसा ही सिमिलर दिखाई देगी, जिसके कुछ हाईलाइट से फ्रंट की तरफ प्रोजेक्टर LED हेडलाइट विद LED DRS एंड स्प्लिट सीट की एक सेटअप। बट बाइक में इंजन हमें RTR 204V का ही देखने को मिलने वाली है, ऑयल कूलिंग सिस्टम वाली इंजन, जो मैक्सिमम 22 PS तक की पावर और 18 NM तक का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी। इसके अलावा Apache RR 200 में स्लीपर असिस्ट क्लच, USD फ्रंट फॉक, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीजें होने के कारण बाइक इजी हैंडलिंग में काफी मदद करने वाली है। लिस्ट की थर्ड बाइक है होंडा की तरफ से CVR 150R, जो होंडा की एक एंट्री लेवल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक होने वाली है। दोस्तों, बाइक की स्टाइलिंग अपने ही बिगर सिबलिंग CVR 500R पे बेस्ड होने वाली है, जिसके फ्रंट में आपको डुअल LED हेडलाइट एंड डुअल DRS देखने को मिलने वाली है। बाइक के लुक को पहले से काफी ज्यादा चेंज किया जाने वाला है। इसके अलावा बाइक के कुछ हाइलाइट्स की अगर बात की जाए, तो इस बाइक को एक कॉम्पैक्ट साइज की विंडस्क्रीन, स्पोर्टी टाइप की रियर व्यू मिरर्स, लो सीट, वाइल्ड हैंडल बार्स, स्कल फ्यूल टैंक और अपस्विप्ट एग्जॉस्ट जैसी चीजों से डेकोरेट किया जाने वाला है, जो बाइक के लुक को काफी ज्यादा आई कैची बनाती है। बाइक के मीटर कंसोल की बात करें, तो इसमें आपको एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल ही ऑफर किया जाएगा, जिसमें आपको बाइक के सारे मेजर इन्फॉर्मेशन शो होने वाली है। और इसमें पावर प्रोड्यूस करती है एक 149.2 सीसी की लिक्विड कूलिंग सिस्टम वाली DOHC इंजन, जो 17.1 PS तक की मैक्सिमम पावर और 14.2 NM तक का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। होंडा की ये बाइक आपको इसी साल के लास्ट तक लगभग 1.60 लाख प्राइस टैग के अंदर ही लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली है। अब आते हैं लिस्ट की नेक्स्ट बाइक पल्सर RS 200 की तरफ, जिसे काफी टाइम से कोई भी अपडेट नहीं किया गया था, बट कंपनी अब इसके अपडेटेड मॉडल को सितंबर से अक्टूबर के बीच लॉन्च करने वाली है, लगभग 1.70 से 1.80,000 एक शोरूम प्राइस टैग के अंदर। बाइक में की जाने वाले अपडेट्स की बात की जाए, तो न्यू पल्सर RS 200 में आपको LED हेडलाइट, LED इंडिकेटर्स, एक स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलने वाली है। बट मीटर कंसोल के बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है,
हो सकता है इसमें आपको पल्सर इन 250 वाला एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल ऑफर किया जाए या फिर एक फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल भी देखने को मिल सकता है। बाइक में आपको न्यूली डिजाइन फ्रंट फेंडर्स, न्यूली डिजाइन साइड फेयरिंग्स और एक न्यू टेल सेक्शन देखने को मिलने वाली है, लेकिन इंजन आपको इसमें पुराने मॉडल वाला ही 199.5 सीसी का ही देखने को मिलने वाली है, जो 24.5 पीएस तक की मैक्सिमम पावर और 18.7 एनएम तक का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ।